अच्छा ये बताओ मार्क्स कैसे हैं? पुअर। मार्क्स पुअर है तो एडमिशन कैसे होगा? और ये टी शर्ट पे क्या लगा तुम्हारे? वो मैम दहेजी नहीं खाई थी। दहेजी नहीं खा के आए हो बेटे, एडमिशन पक्का। मैम दो चम्मच खाई थी। दो चम्मच? स्कॉलरशिप पक्की। जबरदस्ती मम्मी ने तीसरा चम्मच भी घुसा दी। टॉप करा दूंगी कॉलेज में पूरे। कभी कभी तो पूरी कटोरी। पूरी कटोरी? पूरा कॉलेज ही तुम्हारा, प्रिंसिपल ही तुम ही बन जाओ। मैम मैं तो नहीं साथ में लेके चलती हूँ, कहाँ गई? एजुकेशन मिनिस्टर, हमारा एक लड़का भी है, उससे शादी करोगी आप? मैम ये कहीं देखी देखी नहीं लग रही? अरे बहन क्या बताऊँ, आजकल कंटेंट इतनी चेपा मारी जो हो रही है, पर ये एग्जाम हैक्स बिल्कुल फ्रेश है, और अगर इसने यूज किए होते तो इन्हें दही चीनी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो है एग्जाम हैक्स छोटी बहन और बड़ी बहन। और हाँ, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़की थी पढ़ाकू सी, एग्जाम आते ही लास्ट टाइम मोमेंट पे पढ़ती थी। एक मिनट, पानी की बॉटल कहाँ है? ओहो ये भी किचन से लानी पड़ेगी। सामान ढूंढने के चक्कर में ये अपना कॉन्सेंट्रेशन भूल जाती थी। अरे एग्जाम हैक फॉलो नहीं करती थी। अरे कितनी धूप है, शायद इसलिए डरती थी। खिड़की के पास पढ़ती थी और नॉइस पॉल्यूशन से परेशान करती थी। फिर पहुंची वो अपनी फाइनल क्राइम के मंजिल पे, और वो और ये बेड पे पढ़ते पढ़ते सो गई। अब इसे सही तरीका बताना पड़ेगा ना पढ़ने का, नहीं तो फेल हो जाएगी। और चलो और टोट। ओ सस्ते क्राइम पेट्रोल, प्रॉब्लम्स तो बता दी लेकिन प्रॉपर स्टडी एनवायरमेंट का क्या? पहले तो खिड़की से दूर चलो, घर के किसी पीसफुल कॉर्नर में प्रॉपर लाइट के साथ जरूरत का सारा सामान अपने पास रख के, जैसे वाटर बॉटल, अपने पसंदीदा स्नैक्स रख के, थोड़ा पढ़ तो लो पहले, अपने जो भी जरूरत की चीजें हैं जैसे कि सुई से लेके एरोप्लेन तक अपने पास रख लो ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, और एक प्रॉपर गोल बनाओ। अरे ये गोल नहीं, लाइफ का गोल बनाओ। अरे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। वो ही क्या पाना है? हाँ मैं पता है क्या सोच रही हूँ, एग्जाम्स के बाद ना मैं एक रोमांटिक सी मूवी देखूँ अपने बाबू के साथ और बहुत सारी शॉपिंग करूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, इतने सारे तुम्हारे लाइफ गोल्स हैं, इसे कहीं लिखो, क्योंकि बिग ड्रीम्स नीड्स बिग एफर्ट्स। फिर चाहे आपको डॉक्टर बनना हो या पार्टी करना हो, अकॉर्डिंग टू रिसर्च 42% गोल्स लिखने से ही अचीव हो जाते हैं। चल एनवायरमेंट और गोल सबसेट हो गया, अब तो ये नौटंकी खत्म कर और पढ़ाई में लग जा। 1970s कहीं से भी पूछ। Are you ready for long answer? पूछ। आंसर बहुत लंबे हैं और अगर एक भी गलती हुई तो स्टेप्स के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। पूछ। मुझे लग नहीं रहा इतना आसान है। अरे पूछना यार, बड़ी मुश्किल से रट्टा मारा है, पूछ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है। How is food security affected during a calamity? In the 1970, food security was. Food. Understood. Understood the security. अरे दीदी आप ये लॉन्ग आंसर्स का नाम सुन के इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती हो? अरे यार ये लॉन्ग आंसर्स याद ही नहीं होते, कितना भी रट्टा मार लो। जस्ट फॉलो माई 5 tips, सब लर्न हो जाएगा। स्टेप 1, पहले क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से थॉरली 2-3 बारी रीड कर लो। स्टेप 2, एक अलग पेज पे आंसर लिखो बिना गलती की चिंता करे हुए। स्टेप 3, जो जो गलतियां हुई है उनको हाईलाइट करो और एक डिफरेंट कलर पेन से अपने आंसर पे ऐड कर दो। स्टेप 4, वापस आंसर रीड करो और सारे हाईलाइटेड पार्ट्स पे फोकस करो क्योंकि बाकी सब तो आपको लर्न्ड है। और स्टेप 5, अब वापस से एक नए पेज पे अपना आंसर लिखना शुरू करो और इस बार आपके पिछले आंसर से तो काफी ज्यादा गलतियां कम हो जाएंगी। और ये मेथड 1-2 बारी रिपीट करो, बड़े से बड़े आंसर भी होगा ना वो भी लर्न हो जाएगा आपको। हाँ, चैप्टर 8, क्वाड्रिलैटरल्स।
अरे अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं, पढ़ी तो रही हूँ आपके सामने इस पे। हाँ और पढ़ते हुए नो डिस्ट्रैक्शन, ओके? अरे दीदी अब तो आप आए भी नहीं फिर भी चला गया। हाँ भाई इसी डिस्ट्रैक्शन के लिए बनी है ओडीसी टेक्निक। ओडीसी टेक्निक ये क्या है पूरी तो बता। अरे थोड़ी सी टेक्निक नहीं ओडीसी टेक्निक। ओडीसी ओडिसियस जो था वो एक अपने टाइम का वॉरियर था और वो अपनी एक सैनी को ओशन से शिप के थ्रू घर लेके जा रहा था आफ्टर अ लॉन्ग वॉर। और वहां पर से बहुत सारी स्टोरीज सुनी थी कि वहां पे एक आइलैंड है जिससे बहुत सारी आवाजें आती है जब भी कोई शिप उसके पास से जाती है। और वो आवाजें होती है हेवेंस की, परियों की, बहुत लाइक मधुर और अच्छी आवाजें जिसके वजह से आप उस आइलैंड के पास जाने का मन करता है आपको। और अगर आप जाते हो तो वो एक ट्रैप होता है और सब लोग मर जाते हैं या उनको ट्रैप कर लेते हैं ऐसा कुछ होता है। तो ओडिसियस बहुत ज्यादा क्यूरियस था, उसे भी सुनना था, पर वो ये नहीं चाहता था कि उसकी पूरी सैनी ट्रैप हो जाए। तो उसने सबको बोला कि अपने एयर कवर कर लो और उसने शिप के बीच में एक जो फ्लैग के लिए पोल होता है ना तो उसने अपने सारे सैनियों को बोला कि मेरे को वहां पे बांध दो और जितना भी मैं बोलूं मेरे को जितना भी वो प्लीज करके बोले उसे खोले ना ताकि वो वहां पे जाके ट्रैप ना हो। तो सैनियों ने वही बात सुनी। जब वो उस आइलैंड के पास से जा रहे थे उसने अपने सैनियों को बहुत भीख मांगी कि प्लीज मेरे को खोल दो और पर उनके सैनियों ने नहीं खोला उसे और वो बस उस आइलैंड के पास निकल गए। उसने आवाजें भी सुन ली और फिर वो लोग सेफली घर पहुंच जाते हैं। वाह कहानी बढ़िया थी लेकिन इन सब का डिस्ट्रैक्शन से क्या लेना देना। दीदी आजकल हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा छोटा है और हमारे पास इतने सारे गैजेट्स हैं, फोन्स हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है तो हम लोग काफी जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं ओडिसियस स्ट्रैटेजी क्योंकि ओडिसियस का गोल ये नहीं था कि वो हेवन जाए और वहां पे ट्रैप हो जाए, उसका गोल था घर जाना। तो आप लोगों को भी यही प्रिंसिपल फॉलो करना है और आप लोगों को अपने सारे गैजेट्स पढ़ाई के टाइम पे स्पेशली कट ऑफ कर देने हैं। और हाँ ब्रेक्स में आप यूज कर सकते हो और आपको तो पता है कि आजकल सब ऑनलाइन ही है तो हाफ से ज्यादा स्टडी मटेरियल भी हमारा ऑनलाइन ही होता है। तो या तो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि जो भी आपकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है वो आपको पास ऑन कर दे या अगर आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है तो आप अपने पेरेंट्स के फोन से कर दो क्योंकि वहां पे आप ज्यादा कुछ यूज कर नहीं सकते हो। इतना ज्ञान था तो ये सब क्यों कर रही थी। अरे वो हैक भी तो बताना होता है। अब चलो मेरे को पढ़ने दो और मेरे सारे गैजेट्स मेरे से दूर रख दो। छोटा सा ब्रेकअप पत्ता है यार। तो मेरे को एक हैक याद आ गया है जो बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको कुछ भी लर्न करना है ना तो मैंने हमेशा देखा कि वर्बली अगर आप उसको लर्न करोगे तो वो बहुत मुश्किल होगा और अगर वही चीज आप विजुअली लर्न करोगे तो बहुत इजी होगा। तो चलो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो मैं आप लोगों को 10 वर्ड्स बताऊंगी और आपको जितने भी वो याद रहे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। शुरू करते हैं। डॉग्स, बुक्स, ग्लोब, फूड, कैट्स, जिम, क्लोथ्स, मेकअप, डोनट्स, स्विमिंग पूल, रेन। अब वीडियो पॉज करो और कमेंट करो कि आपको कौन से वर्ड्स याद रहे। सो ज्यादा से ज्यादा आपने 5 या 6 वर्ड्स ही लिखे होंगे बट अब हम ट्राई करते हैं इस सेम चीज को विजुअल टेक्निक से। तो अब आप नए वर्ड सुनो। हाईवे, फरारी, आइसक्रीम, चिकन, वॉरियर, रनिंग, मॉल, जारा, वर्कर, होम और हैक्स। और देखते हैं कि अब आपको ये 10 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स याद रहते हैं। सो सबसे पहले मैं हाईवे से एक बढ़िया फरारी कार में आ रही थी, आइसक्रीम वाला मिला तो आइसक्रीम खा ली, फिर गाड़ी जैसे आगे बढ़ी रही थी मेरी गाड़ी में मुर्गा आ गया, सोचा उस मुर्गे का चिकन बना लूं पर ये चिकन तो मेरे को बहुत परेशान कर रहा था, मैंने मार कूट के उसे भगाया। इतने में गाड़ी खड़ी हो गई ट्रैफिक सिग्नल पे और देखा सामने से बहुत सारे वॉरियर्स आ रहे हैं। उन वॉरियर्स में से एक ने मुझ पे हमला किया। भागते भागते मैं सीधे पहुंची मॉल, वहां पे मैंने ज़ारा से शॉपिंग भी कर ली। जब पैसे देने की बारी आई तो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया, वहां के एम्प्लॉय ने मेरे को लात मार के भगा दिया। मैं आई घर पे और अब मैं आप लोगों को हैक्स सुना रही हूं। एंड नाउ पॉज द वीडियो और अब बताओ कि आपको कितने वर्ड्स याद आए। चलो वापस आ गए, अब दीदी का टेस्ट लेते हैं कि उनका कैसा गया क्योंकि वो भी साइड में ही सुन रही है। हाँ मेरे तो सब याद हो गया है। चलो बताओ
हाईवे फरारी अनन्या आइसक्रीम चिकन और ट्रैफिक सिग्नल वॉरियर मॉल जारा कार्ट एम्प्लॉइज होम एंड स्टडी थैंक्स. अब आपने खुद ही देख लिया कि वर्बल का स्कोर कितना और विजुअल का स्कोर कितना है, तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा विजुअली पढ़ना जितना भी आप कोशिश कर सकते हो बेटर है. आप चाहे यूट्यूब वीडियोस देख लो जिसमें वो विजुअल एनिमेशन करके दिखाते हैं, या जो आपके बुक्स में डायग्राम्स है, या आप खुद ड्रॉ कर लो, तो आपको उससे बहुत ही ज्यादा इजिली याद हो जाएगा. डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर तो हो गया था ना. हाँ, लेकिन अभी तो कितने सारे चैप्टर्स बाकी हैं, कैसे होंगे. कोई नहीं, ट्राई करती हूँ, हो जाएगा. दीदी मैं क्या कह रही हूँ, एक आप शॉर्ट ब्रेक ले लो. नहीं, प्लीज. अरे मेरे पास मस्त लेम जोक्स है, आपका बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाएगा. बढ़िया. एक साइकिल आगे क्यों नहीं जा पा रही थी? क्योंकि उसकी चेन उतर गई होगी. क्योंकि वो टू टायर्ड थी, बहुत थक गई थी. समझ आया? मैं पढ़ लेती हूँ. अरे बस एक और, बिसलेरी की बोतल 20 रुपए की क्यों आती है? उसका प्राइस है 20 रुपए का. नहीं, क्योंकि वो 20 ले रही है, 30 थोड़ी ना ले रही है, 20 ले रही है. हसीना, एक लास्ट. चलो, पापा अपनी शादी का कार्ड क्यों देखते रहते हैं? वो अपनी मेमोरी रिकॉल करते होंगे. नहीं, क्योंकि वो अपनी शादी की एक्सपायरी डेट ढूंढ रहे होते हैं. मैं जा रही हूँ यार. अरे रुक जाओ, अगर ये काम नहीं करा तो पोमोडोरो जरूर काम करेगी. क्या है तेरा ये पोमोडोरो? ये एक टेक्निक है जिसमें आप एक टाइम स्लॉट में बिल्कुल फोकस के साथ जम के पढ़ाई करो, फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लो. जम के पढ़ाई करो फोकस के साथ, छोटा सा ब्रेक ले लो. अब जैसे मैं करती हूँ, मेरा टाइम स्लॉट है ले लो 1 आवर, इसमें मैं बिल्कुल मेरी पूरी फोकस उस पढ़ाई पे होती है. फिर मैं 15 मिनट्स का या 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेती हूँ, फिर वापस से 1 आवर पूरी फोकस से पढ़ाई, फिर वापस से एक छोटा ब्रेक. इस टेक्निक को आप यूज करते रहते हो ना, तो आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो. मेरे लिए तो 15 मिनट काफी नहीं है, मेरा क्या होगा 15 मिनट में. तो ये ब्रेक और ये स्टडिंग टाइम ना हर स्टूडेंट से स्टूडेंट के लिए वेरी कर सकता है. अब जैसे मैंने देखा है, आप 2 घंटे तक लगातार पढ़ती हो, तो फिर आप 45 मिनट्स का ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, आप तब खाना खा लो. और कोई अगर सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ता है तो फिर वो सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक ले ले. वो अपने रूटीन और हैबिट्स के हिसाब से लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपना ब्रेक टाइम. तो इसमें तो मेरा फायदा है, जैसे कि कल मेरा एग्जाम है तो मैं तो ऑलरेडी यूज्ड टू हो जाऊंगी ना, तो मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी. ये क्वेश्चन क्लियर ही नहीं हो रहा. अच्छा नहीं भी खत्म हो गए. हाँ, पुणे चने खत्म कर दिए, बट अभी तक आपकी पढ़ाई में और बुद्धि में कुछ नहीं हुआ है. अरे यार, ये जो टॉपिक है ना, क्लियर ही नहीं हो रहा. 3 दिन से पीछे पड़ी हूँ इसके. वही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो कहते हैं स्विच इट अप. 3 दिन से एक ही टॉपिक कर रही हो, आपका ब्रेन तो रिफ्रेश होएगा ही नहीं. इसलिए एक टॉपिक को 45 मिनट से आधे घंटे से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए. जैसे 45 मिनट आपने मैथ्स पढ़ा, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, या फिर आप साइंस में स्विच कर दो या किसी और सब्जेक्ट में स्विच कर दो, फिर वापस थोड़ी देर पढ़ो, फिर वापस आप कोई और सब्जेक्ट स्विच कर लो. एक सब्जेक्ट को ना रिपीट मत करो, क्योंकि जब आप वापस वो सब्जेक्ट उठाओगी ना, फिर आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश होगा और क्लियर होगा उस सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए. हाँ, लेकिन मेरा तो कल ही ना एग्जाम साइंस का. अरे तो फिर वो टॉपिक या चैप्टर स्विच कर दो ना, एक ही चैप्टर क्यों पढ़ रही हो, आधे आधे घंटे में चैप्टर स्विच करती रहो. चलो 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 मेरी जहाँ पढ़ लो. गुड लक. मैथ्स का सब्जेक्ट तो मेरे को बहुत मुश्किल लगता है, इस पे तो मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, जैसे मैथ्स का डर और भी. ये काम करूंगी बाद में ही करूंगी. ये स्केल मुड़वाया था ना? नहीं नहीं, अभी वो सब्जेक्ट नहीं करी मैं. मतलब तो अपने टफ सब्जेक्ट से भाग रही है. यू हैव टू ईट द फ्रॉग. मेंढक? मैं क्यों खाऊं मेंढक? छी. अरे ईट द फ्रॉग का मतलब कुछ और होता है पगली. क्या यही प्रॉब्लम है तुम्हारी? टू-डू लिस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है उसी को पीछे धकेल देते हो तुम. अरे हम सब किसी एक सब्जेक्ट में ना बहुत ही बेकार होते हैं और सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट तो होना नहीं चाहिए सिलेबस में. तो सब्जेक्ट में अच्छी हो या बुरी हो, एग्जाम तो फिर भी देना पड़ेगा. तो उसके लिए ना तुझे एक साथ उसे क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बस डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लेगी ना तो आराम से एग्जाम क्लियर कर लेगी. चलो फिर मैं भी इस मेंढक को थोड़ा खा जाती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ.
में गाना गाते हो आप लिप सिंक करो ठीक है. बिल कुछ कहे बिल कुछ सुने हाथों में हाथ लिए. ये सब क्या हो रहा है एग्जाम सेट पे क्या कर रहे हो तुम लोग. अरे मम्मी हम लोग पोमोडोरो मेथड यूज कर रहे हैं तो मैं तो अब सीधे रात को पढ़ूंगी. मैं तो सुबह पढ़ूंगी. रात को पढ़ना भी कोई पढ़ना होता है उल्लू की तरह जागो पूरी रात. रात को अच्छी पढ़ाई होती है सुबह अच्छी होती है रात को अच्छी होती है पापा सुबह अच्छी होती है. अरे रात को अच्छी होती है मम्मी आप ही बताओ रात को अच्छी होती है सुबह अच्छी होती है. वैसे तो कहते हैं कि सुबह का पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह ना पढ़ के रात को जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. अब जैसे अनंतिया को जब मैं सुबह उठ के पढ़ने को बोलूंगी तो वो ही चैप्टर को 2 घंटे में याद करेगी लेकिन जब वो रात को पढ़ने बैठेगी तो उसे वो 10 या 15 मिनट में लर्न कर लेगी. सेम बबली दीदी के साथ है. बबली दीदी सुबह जल्दी याद कर लेती है और रात को तो एकदम सो जाती है. इसीलिए आप दोनों को चूज करना है कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ने के लिए. अब कोई सत्संग चल रहा है यहाँ पे जाके पढ़ो. तो आखिरी एग्जाम हैक है कि आप लोग एग्जाम के टाइम ईट हेल्दी और एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते रहो क्योंकि वो आपके माइंड को काफी क्लीन और रिफ्रेश रखेगा. मम्मी ने भी ये सब बोल रखा है अपने वीडियोस में. तो ये तो हमारा ईयरली एग्जाम हैक्स वीडियो. हम हर साल ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आए. तो आप जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए. और हमारे सोशल मीडिया स्नैपचैट और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना. बाय.